दोस्तों, ये लाइव चल रहा है अभी मार्केट, 1:10 हो रखा है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है लाइव में, लाइव ट्रेडिंग में। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए आज कल मार्केट ने ओपनिंग क्लोज जो दिया था वो यहाँ पे दिया था। तो ये कल का क्लोज वाला लाइन है, और ये देखो S1, ये सपोर्ट सपोर्ट है, सपोर्ट का ये S1 मतलब पहला सपोर्ट यहाँ पे है मार्केट का। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो पिवट पॉइंट कितना बढ़िया काम करता है। देखिए आप, पिवट पॉइंट जो होता है इंडिकेटर, अगर आप उसको लगाते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद ही बताता है। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, वो खुद ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा। देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है, ये सपोर्ट की लाइन है। देखिए, हालांकि मार्केट आज पूरा यहाँ ओपन होके यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, पूरा ये रेंज बाउंड हो गया है। देखिए सपोर्ट पे आके, देखिए ये सपोर्ट पे आया है, यहाँ पे अपने आप यहाँ से मूव कर गया ऊपर को। ये सपोर्ट ऐसे काम करता है। देखिए फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर से ये ऊपर को हो गया। फिर देखिए, फिर यहाँ सपोर्ट पे आने का आया है, फिर से ऊपर हो गया है, अभी फिर से सपोर्ट पे काम कर रहा है। तो ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को तोड़ता है तो इसको बोलेंगे ब्रेकआउट, कि भाई मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया नीचे को, डाउन साइड। अगर यही यही इसको इसको तोड़ देता है ऊपर को, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया। अभी यहाँ पे है, यहाँ पे हमको कहीं की कहीं ट्रेड नहीं लेनी, हमको ट्रेड लेनी होती है या तो सपोर्ट पे ब्रेक डाउन, ब्रेक नीचे को ब्रेकआउट करे, या फिर रेजिस्टेंस पे ऊपर को ब्रेकआउट करे। यहाँ पे हम ट्रेड लेके कहाँ जाएंगे? एक लाल कैंडल है, एक हरी कैंडल है, एक लाल है, एक हरी है, एक लाल है, एक हरी है, हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये मार्केट में ना छोटी छोटी चीजें आपको इतना बड़े बड़े लॉसेस से बचा सकती हैं। कितना बढ़िया काम, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको पिवट पॉइंट पिवट लगा लेना है इंडिकेटर। ठीक है, और वो अपने आप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। मार्केट सपोर्ट पे आता है, अगर वहां से पुल बैक करता है तो फिर आपको खरीदना है, और नहीं करता है तो वो आपको, देखिए इतना थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आप डेली मार्केट को देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट ब्रेकआउट दे, ऊपर को ब्रेक डाउन दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, या नीचे को ब्रेक डाउन दे रहा है। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। कितना बढ़िया सपोर्ट पे काम कर रहा है, देखिए सपोर्ट पे। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये नीचे को आया है, तो अगर कोई होता तो यहाँ पे जैसे खरीद लेता कि भाई नीचे को मार्केट ने, तो खरीद लेते, लेकिन सपोर्ट बता रहा है भाई ये सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कर रखी है। ठीक है, जो जो रेजिस्टेंस बनते हैं वो पुट राइटर्स बनाते हैं, जो सपोर्ट बनते हैं वो कॉल राइटर्स बनाते हैं। कॉल राइटर्स जो होते हैं वो हमेशा सेल के प्रोस्पेक्टिव से देखे जाते हैं। ठीक है, कॉल राइटर्स मतलब, कॉल राइटर का मतलब है कि मार्केट को वो यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे, कोशिश वो पूरी करेंगे अपनी कि मार्केट यहाँ से नीचे ना जाए। उनका मतलब है कि मार्केट ऊपर को रहे यहाँ से। पुट राइटर जो है वो क्या करेंगे, वो मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगे, वो चाहेंगे कि नीचे को रहे, वो उसको नीचे को दबाएंगे। ठीक है, और कॉल राइटर जो है वो नीचे से ऊपर को फोर्स करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो उनका पैसा बनेगा। और पुट राइटर क्या करेंगे, पुट राइटर सोचेंगे कि यहां से मार्केट नीचे जाए तो पैसा बने। तो ये दोनों में लड़ाई चलती रहती है, हम लोग कोई नहीं है, हम लोग मार्केट में ना बस एक खिलौने हैं। एक्चुअली एक्चुअल जो प्लेयर होते हैं वो 20-20 हजार करोड़ लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, 10-10, 20-20 हजार करोड़ लेके बैठे हुए हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। ऑपरेटर वो लोग हैं ऑपरेटर। ठीक है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट किधर जाएगा। अब ये यहाँ पे पुट राइटर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट को तोड़ दे नीचे को, लेकिन ये सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर जो बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे जो जो लोग ऊपर को धकेल रहे हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो उसको तोड़ने नहीं दे रहे हैं उसको। समझे, ये एक रेंज बना दी है मार्केट ने कि भाई जो है इतना, जो करीब ये 19,530 की जो रेंज है, इसको निफ्टी को नहीं तोड़ने दे रहे हैं, ये सपोर्ट बन गया है। इसको अगर तोड़ेगा ना, यहाँ से इसको तोड़ देगा तो ये बहुत जल्दी से नीचे गिर जाएगा फिर मार्केट, बहुत जल्दी। लेकिन वो तोड़ने नहीं दे, जल्दी से क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि जैसे ही वो ये नीचे को तोड़ेगा तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा। स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो अपनी पोजीशन को स्कार्फ करेंगे, स्कार्फ करेंगे तो और वो मार्केट नीचे से खट 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 नीचे को जाएगा। देखिए नहीं जा रहा ना ये देखो यहाँ से फिर ये ऊपर को जाने लगा, ग्रीन कैंडल बनने लगा। ये बहुत द्वंद चलता रहता है कॉल राइटर पुट राइटर के बीच में। हम लोग को क्या है कि हम लोग को तो बस बहती गंगा में हाथ धोना है, लगे कि हाँ भाई ये भारी पड़ गया,
कॉल राइटर पड़ गया, पुट राइटर पड़ गया, बस उसी के साथ बह लेना है, भैया चलो हम भी आ गए तुम्हारे साथ, ठीक है। लेकिन जब तक ये देखिए सपोर्ट कितना बढ़िया काम कर रहा है, इसमें कुछ करना है कुछ नहीं करना है, बस बैठो देखो इंतजार करो सपोर्ट के टूटने का, और जब फाइनल ब्रेकडाउन हो जाए कि हाँ भाई ब्रेकडाउन हो गया, कंफर्मेशन हो जाए आपको, तो तुरंत से उसमें एंट्री कर लो। अभी देखो देखो यहाँ से अभी फिर से ग्रीन कैंडल ऊपर को बन गया, धकेल दिया मार्केट ऊपर को इसने, जो यहाँ से यहाँ पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं उन्होंने मार्केट को ऊपर ऊपर धकेल दिया इस कैंडल में। देखो कितना बढ़िया कैंडल ग्रीन बन रहा है, ऊपर को जा रहा है देखो, ठीक है। तो लेकिन ऐसा जो मार्केट होता है ना, ये मार्केट है रेंज बाउंड, इसमें कभी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ये मार्केट रेंज बाउंड हो गया है, इसमें भैया हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम बस बैठ के देखेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। आज सुबह से इतना ही मार्केट चला है, बस मुश्किल से 50 पॉइंट के बीच में ये मार्केट घूम रहा है। ये देखिए 30 से लेके 80 तक, 40 50 45 पॉइंट के बीच में मार्केट घूम रहा है, पूरा सुबह से शाम हो गई, ये 40 45 पॉइंट के बीच में कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है, तो दोनों में खूब हाथ झगड़ा चल रहा है, भैया खूब लड़ रहे हैं सब। हम तो कह रहे हैं तुम लड़ लो आराम से, लड़ो, जो जीत जाएगा हम उसके पीठ पर सवार हो जाएंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको थोड़ी अपने हाथ जलाने हैं, ऐसे में जलाने में, ऐसे में जो एंट्री लेगा ना वो अपने हाथ जलाएगा, फर्जी हाथ जला लेगा बैठे बिठाए, ठीक है। तो ऐसे में एंट्री लेनी नहीं है हमको, जब मार्केट हमको पता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड हो रहा है, तो हमको उसमें एंट्री लेने की ज़रूरत क्या है, भाई हम नहीं लेंगे एंट्री, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, आप देखिए यहाँ पर अब ये फोर्स से ऊपर को जा रहा है, मे भी हो सकता है कि ये ऊपर को जाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या है ये, ठीक है। ये अभी 1:17 हो रहे हैं, ये टाइम तो नहीं है ब्रेकआउट करने का, लेकिन हो सकता है कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी आ जाता है कि भाई ऊपर को आ गया, ये कैंडल फटाक से ऊपर को बन जाती है, फिर एकदम से नीचे आ जाती है, बायर्स को फंसा लेती है, और फिर ये नीचे को आके उनका पूरा स्टॉप लॉस हिट कर देती है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो अभी देखिए कैंडल, लेकिन काफ़ी मजबूत कैंडल बनी है ये, काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई है, और इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो तभी तो ये बड़ी कैंडल बन रही है। इसका मतलब कॉल राइटर जो हैं यहाँ से, उन्होंने किसी ने मजबूत पैसा लगाया है, तो ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ सीखने को सीखिए, ऐसे कुछ ना कुछ डालता रहूँगा। और पिवट पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है भाई, और सपोर्ट रेजिस्टेंस तक ये मार्केट यहाँ से ये मूवमेंट दे दिया ऊपर को, लग रहा है, लग तो यही रहा है कि मूवमेंट ऊपर को ये दे दिया है, ब्रेकआउट हो गया है इसका ऊपर को, ठीक है। देख रहे हो ना कितनी बढ़िया कैंडल बनने लगी, यहाँ पे कोई थी ऐसी कैंडल, कोई कैंडल नहीं थी पूरे सुबह से, लेकिन ये कैंडल देखो एकदम से इसमें वॉल्यूम आ गया, बढ़िया ये आ गया, अब ये लग रहा है कि हो सकता है जाए ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, और डालता रहूँगा, सीखते रहिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से मैं सोच रहा हूँ लाइव भी कुछ किया करूँगा यूट्यूब पर, लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ आपको बताया करूँगा, अगर ज्वाइन करना हो तो देखते रहिएगा, ठीक है, ओके, धन्यवाद, राधे राधे।